पहले दो हैं, पहले दो जो कनेक्ट कराएंगे बैटरी कनेक्शन रिमूव करके रखेंगे, ठीक है, बैटरी कनेक्शन रिमूव करके रखेंगे और डाटा केबल हम लोग जो है इस पे लगा रहे हैं। डाटा केबल लगाने के बाद रेडियो कौन सा? नहीं 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 पहले पॉइंट शॉर्ट हो, टाइप सी है क्या? नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल कौन शॉर्ट हो गए सर? अभी कहाँ शॉर्ट है? डाटा केबल, चलो डाटा केबल एक सेकेंड, हम लोग पहले खोल लेते हैं डिवाइस मैनेजर। दिस पीसी मैनेज डिवाइस मैनेजर, क्लियर? यहाँ पर हमें पोर्ट का, एलपीटी हमें क्वालकॉम का पोर्ट चाहिए, ओके okay? चलिए पॉइंट नोट कराते हैं। तुम यहाँ पे डाटा केबल लगाइए, लगाओ डाटा केबल, क्वालकॉम का पोर्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो क्या प्रॉब्लम है, ड्राइवर नहीं है। क्या नहीं है? ड्राइवर। इनके फोन के अंदर क्वालकॉम के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, सही बात है? हाँ। प्लीज महेंद्र नहीं, लैपटॉप के अंदर आपने मोहन कहा, लेकिन इसके अंदर ड्राइवर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्वालकॉम के ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। तो क्वालकॉम के ड्राइवर हमको करना है, और उससे पहले अपना सेटअप भी एक बार देख लेते हैं कि डाउनलोड हुआ है कि अभी बाकी है। सेटअप डाउनलोड हो गया शायद, तो इसी में हमको मिल जाए, ओके नहीं तो हम अलग से करेंगे। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सेवन जिप एक्सट्रैक्ट कर, यस पे क्लिक करना है। हम ये कंडीशन आई एक्सेप्ट टर्म कंडीशन, नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल चल। जब तक इंस्टॉल हो तब तक हम लोग क्यूसी यू जो है सीपीयू यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करें, डाउनलोड कर लेते हैं तो इसको इंस्टॉल करें। अब हमारा सिस्टम कितने बिट का है उस बिट के आधार में हम डाउनलोड करेंगे। 64 का है, तो 64 कहाँ से चेक करेंगे एक बार उसको देख लेते हैं। दिस पीसी राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा सिस्टम 64 बिट का है कि 32 बिट। 64 बिट है ये ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है साफ, ओके okay? तो जो भी हम इसमें सॉफ्टवेयर ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे वो हमारे कैसे होंगे, 64 बिट के होंगे। ऑलरेडी इसमें कह दिया ड्राइवर ड्राइवर को क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे ड्राइवर, पानी भरवाएंगे, ये खुल के आ गया है। रीड एंड टूल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे हम फॉर्मेट चिप पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोन क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम एक बार उस फोन को डिस्कनेक्ट करके दोबारा से फोन कनेक्ट कराते हैं। हाँ करिए, चलिए लगाइए, येलो कलर का सिग्नल दे रहा है, चलिए चलो क्या है क्योंकि और बात बाकी 9008 तो बन के आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है। हम एक आप फिर करते हैं फॉर्मेट शिफ्ट,
इसलिए डेगा ना सर, ये कह रहा है कि हमें आपको इसका पहले बैकअप ले लेना। और देखें बटन रीड इनको रीसेट लॉक, वीवो का है ना ये, वीवो तो वीवो एफ एस लिखा है इस पर, एन एफ आर पी इस पर क्लिक करें। न्यू सिक्योरिटी फोन डिटेक्टिंग चिप का, लेकिन क्वालकॉम का पोर्ट भी बना हुआ है और आपका फ़ोन जो है अनलॉक भी हो रहा है। फॉर्मेटिंग यूजर डेटा आगे लिख के दिख रहा है ना सबको, रीसेटिंग लॉक एफ आर पी ये परसेंटेज सर के ऑपरेटिंग फिनिश हो गया बस अब सर ये भी करते हैं क्या हुआ इसका।